अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आज हम पढ़ेंगे मज़मून उर्दू। आज हम बच्चों हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थी, मगर जब पता चलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं, तो औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती। बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा कमजोर और गरीब थी, इस वजह से मक्के की किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया। बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे को ही ले जाएंगे। वो इस बच्चे को लेकर जैसे ही अपनी ऊंटनी पर सवार हुई तो उस कमजोर ऊंटनी में जैसे जान पड़ गई। वो तेजी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध देने लगी। ये देखकर काफिले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ। बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी बड़ी बेटी शैमा उनकी गैर हाजिरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला करती थी। 4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लौटा दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। फिर दादा और चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो इस तरह से बच्चों आज हमने हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में मालूमात हासिल की है। तो चलिए बच्चों अब हम इस पर कुछ सवालात देखेंगे। एक जुमले में जवाब लिखो। तो हमारा पहला सवाल है बच्चों, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का क्या नाम है? तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का क्या नाम है बच्चों? इनकी वालिदा का नाम है बीबी आमिना रजी अल्लाह अन्हा। नंबर 2, बीबी हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी लड़की का क्या नाम था? बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा की बड़ी लड़की का नाम शैमा था। नंबर 3, बीबी हलीमा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में इनके वालिदैन को दिया? तो किस उम्र में दिया था बच्चों? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 बरस के थे तो बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने इन्हें अपने वालिदैन को दिया। नंबर 4, बीबी हलीमा की हालत कैसी थी? तो बीबी हलीमा की हालत कैसी थी बच्चों? बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा कमजोर और गरीब थे। तो बच्चों इन सवालों के जवाब को आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसकी फोटो हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।